फैजाबाद के थाना जसाना के क्षेत्र वामई में रिक्त चल रही राशन की दुकान को लेकर कुछ लोग आज जिलाधिकारी फैजाबाद से मिलने पहुंचे, जहां जिलाधिकारी की अनुपस्थिति में अब जिलाधिकारी उदय सिंह द्वारा उक्त दुकान का प्रस्ताव जल्द कराने का आश्वासन दिया गया। फैजाबाद से जेपी गौतम की रिपोर्ट, स्केच न्यूज। परेशान होते हैं, लेडीज परेशान होती है, प्रस्ताव बार बार प्रस्ताव नहीं हो पाया। कारण कुछ नहीं रहा साहब, कारण तो राजनीतिक नेता और वीर कब हुआ था 17 जनवरी 2015 को झूला 16 17 18 कोर्ट में चले गए साहब, हम निरस्त होने के कारण हम चले कोर्ट में, फिर ब्लॉक वालों ने आदेश किया, कोर्ट ने अभी तो कोई आदेश नहीं दिया, वहाँ से वो चले तारीख चल रही है, कोई फैसला नहीं मिला ब्लॉक स्तर। हाँ, आपका क्या नाम है? रविंदर कुमार सर। कहाँ रहते हो? वामई, वामई ग्राम पंचायत। तो आप आज यहाँ पर आए हैं, क्या कारण है? हम आए हैं साहब ग्राम पंचायत वामई में, राशन की दुकान कई साल से निरस्त वो रिक्त चल रही थी। ठीक है। उस दुकान का एक बार 27 जनवरी 2015 को पहले प्रस्ताव हमारे ही नाम से हो चुका था। ठीक। उप जिला अधिकारी जसराना महोदय की उपस्थिति में और ब्लॉक ब्लॉक स्तर के कर्मचारियों की उपस्थिति में, थाना खैरगढ़ के कर्म अधिकारियों की उपस्थिति में प्रस्ताव पहले हुआ था, वो राजनीतिक दबाव पड़ने के कारण पहले निरस्त हो गया प्रस्ताव। आज यहाँ आप मुख्यालय पर क्यों इकट्ठे हुए हैं? आज इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि आज की प्रस्ताव के लिए दोबारा से फिर बैठक हुई थी, डेट लगी हुई थी। ठीक है। प्रधान अपने पक्ष के किसी के नाम में दुकान को कराना चाहते थे, उनके पक्ष में प्रस्ताव न होने के कारण हमारे पक्ष में भीड़ देखते हुए और वो साहब जानबूझकर वहाँ से भाग गए। जब प्रस्ताव हो रहा था वहाँ अधिकारी भी पहुँचे थे? कोई अधिकारी पहुँचे थे, ब्लॉक स्तर के ग्राम पंचायत अधिकारी, KDO समाज कल्याण और भी लोग। अब आपकी DM साहब से मुलाकात हुई कि नहीं हुई? DM साहब से नहीं हुई मुलाकात। किन से हुई थी? ADM साहब। क्या कह रहे हैं ADM साहब? ADM साहब ने आश्वासन दिया है कि हम प्रस्ताव